सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इज लेक्चर नंबर 22 ऑफ द लेक्चर सीरीज एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज मैनोमीटर। सो बेसिकली ये आपका एक तरीके से प्रेशर मेजरमेंट का एक टॉपिक है। अगर इसमें हम बात करें सब कैटेगरी की, तो ये आपका सेकंड टॉपिक है। पहला था प्रेशर, ये आपका है प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ से हम लोग का प्रेशर मेजरमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है कि जैसे हम किसी प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो है सिर्फ मैनोमीटर का। ठीक है, एक आपका मैकेनिकल गेज भी होता है, बहुत से प्रेशर गेजेज होते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को जो स्टडी करनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपका है मैनोमीटर। सो आते हैं बेसिक इंडक्शन के ऊपर कि मैनोमीटर आपका होता क्या है। अगर हम बात करें सिंपल मैनोमीटर के बारे में, तो मैनोमीटर का मतलब सिंपल ही आप समझ सकते हो कि एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं, जिसमें हम सिंपल बैलेंसिंग ऑफ लिक्विड या फ्लूइड करते हैं। मतलब कि जैसे किसी पाइपलाइन में कोई फ्लूइड किसी प्रेशर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी फ्लूइड को, ठीक है, किसी कॉलम में बैलेंस करेंगे। ठीक है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कह सकते हो कि किसी और एक्सेसिव डेंसिटी वाले फ्लूइड को लेकर के उसके प्रेशर को निकाला जाता है। जैसे अगर आपको एक चीज नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे समझाता हूँ आप लोगों को कि जैसे से मानिए कि ये आपकी कोई पाइपलाइन है। ठीक है, ऐसे समझो आप लोग कि ये आपकी कोई एक पाइपलाइन है, ठीक है, जिसमें कोई आपका एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। कोई पाइपलाइन है जिसमें आपका कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही अब मान लो इसमें किसी प्रेशर P1 पे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, मान लेते हैं फ्लूइड है कोई भी, अगर फ्लूइड में भी लिक्विड लेते हैं तो मान लेते हैं वाटर है, किसी एक प्रेशर P1 पे है, कोई पानी की पाइपलाइन मान लो। ठीक है, अगर हम इसमें एक पतला सा ट्यूब इंसर्ट करें ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक पतला सा ऐसे एक एम्प्टी ग्लास ट्यूब इंसर्ट करें जो कि ओपन टू एटमॉस्फियर हो। ठीक है, ऐसे कुछ, तो क्या होगा, इस पाइप में जो प्रेशर है वो आपका गेज प्रेशर है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको पी गेज के बारे में, यानी दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेरिक। तो होगा क्या, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आपका है पी एटमॉस्फेरिक। तो ये लिक्विड क्या करेगा कि क्योंकि प्रेशर गेज प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, तो ये लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा आपका, करेगा, बट ऑब्वियस है। तो जब लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा तो इस समय क्या देखने को मिलेगा आपको कि मान लेते हैं यहां तक लिक्विड इसके प्रेशर से राइज कर गया। ठीक है, अब ये जो हाइट मिली है आपको यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, ये हो गया H। अब हम यहां से क्या करेंगे, इस लिक्विड का कह सकते हो कि हम प्रेशर निकाल सकते हैं कि अगर प्रेशर का क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच कर देंगे, और एच यानी यही वाली हाइट हो जाएगी हमारी, सिंपल। तो मैनोमीटर कुछ इस तरीके से काम करता है। मतलब क्या होता है, सिंपल, मैंने कहा ना कि मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सेम फ्लूइड और अनदर फ्लूइड। मतलब कि हम या तो सेम फ्लूइड के कॉलम से बैलेंस करेंगे या किसी दूसरे फ्लूइड के कॉलम से बैलेंस करेंगे। मतलब क्या है, जैसे अगर प्रेशर कम है, थोड़ा सा ज्यादा एटमॉस्फेयर से है, तो हम किसी नॉर्मल ट्यूब में उसी लिक्विड को बढ़ा के नाप लेंगे, लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो एच की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एच की वैल्यू 10 मीटर भी आती है किसी केस में, तो ये ट्यूब 10 मीटर लंबी होनी चाहिए, तो 10 मीटर लंबा ट्यूब कहाँ रखोगे आप, किसी ना लैब में अटेगा ना किसी रूम में अटेगा। ठीक है, 10 मीटर यानी लगभग 33 फुट हो गया, तो 33 फुट का कौन सा रूम बनाओगे आप, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जब कभी बहुत ज्यादा प्रेशर नापना होता है, हमें बहुत एक्सेसिव प्रेशर नापना होता है,
तो हम किसी दूसरे फ्लूइड को यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें मरकरी भर देंगे। अब मरकरी क्या है कि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है, वाटर का 1 होता है, तो लगभग 12.5 गुना ज्यादा है पानी से वो, ठीक है, 12.6 डेंसिटी ज्यादा है उसकी, ठीक है, तो उतने उसका हाइट का डिफरेंस आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर पी एटमॉस्फेरिक की बात करें तो पी एटमॉस्फेरिक का अगर रीडिंग निकाला जाए तो एचजी का ये आता है 760 mm, ठीक। अगर यही आप पी एटमॉस्फेरिक पे वाटर निकालोगे, मतलब अगर हम H2O की बात करें तो H2O की अगर बात की जाए तो ये आता है 10.3 meter, ठीक है, ये रीडिंग को देख लीजिएगा, 10 meter के आसपास होता है। तो दिख रहा है आपको अंतर कि अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नापना है तो मरकरी के लिए लंबाई कितनी चाहिए इस ट्यूब की, 760 mm, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम वाटर रखते हैं तो उसके लिए वैल्यू क्या चाहिए, 10.3 meter, यानी नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पानी 10.5 meter ऊपर रहेगा। लेकिन अब क्योंकि इधर सब पे लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए वो राइज नहीं करता। लेकिन अगर आप कंप्लीट वैक्यूम कर दो, ठीक है, मतलब टोटल जीरो एकदम, कहीं कुछ प्रेशर है ही नहीं, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लगाते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो पानी 10.3 meter राइज कर जाएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन जो मैं इसकी बता रहा था, मैनोमीटर ऐसा लिख सकते हो, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट at a point in a fluid by balancing the column of fluid by the same or an other fluid, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन कि किसी भी फ्लूइड में अगर हमें प्रेशर नापना हो तो हम एक कॉलम से उसका प्रेशर नाप लेते हैं उसी लिक्विड के हेल्प से या उसे अदर लिक्विड फिलअप करके, ठीक है। अब अदर लिक्विड वगैरह में इसको हम लोग, क्योंकि अभी ये एक तरीके से बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है, इसको कह सकते हो आप लोग सिंपल, हम लोग इसके बेसिक्स में चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर हम बेसिक की बात करेंगे, बेसिक्स में अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिंपल अभी इसके बारे में जानना है कि होता क्या है, क्या फाइंड आउट करते हैं। ये चीजें बाद में आएंगी कि कब मरकरी रखेंगे, कब लाइटर लिक्विड रखेंगे, कब वाटर रखेंगे, कब क्या रखेंगे, ये अगले लेक्चर में भी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी जान लेते हैं कि मैनोमीटर होता क्या है, काम कैसे करता है सिंपल, ठीक। मतलब क्या किया गया आपका कि सिंपल किसी फ्लूइड सिस्टम में हमने एक कॉलम लगा दिया, मतलब एक ट्यूब लगा दी, ग्लास ट्यूब। अब उस ग्लास ट्यूब में जितना लिक्विड राइज हुआ वहां से हमें H मिल गया, फिर P बराबर रो जी एच पे रख के हम उसका प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रिंसिपल यानी हाइड्रोस्टैटिक लॉ का ये एप्लीकेशन है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो उसमें आप मैनोमीटर को लगा सकते हो, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक होता है मैकेनिकल गेज, वो भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जान लीजिए उसके बारे में भी। अगर कुछ पूछता है, एक वर्ड आता है कि वॉट इज मैकेनिकल गेज, ठीक है। मैकेनिकल गेज क्या होता है कि सिंपल वो भी एक तरीके का प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग सेम लिक्विड या किसी अदर लिक्विड से उसको बैलेंस करके प्रेशर नापते हैं। लेकिन मैकेनिकल गेज में क्या किया जाता है कि हम लोग ये जो राइज हो रहा है इसमें पानी या कुछ ना रख करके यहाँ वेट लगा देते हैं, मतलब कि इसी में इसको हटा लेते हैं ऐसे, ठीक, और यहाँ पे कुछ वेट रख देंगे, ऐसे समझिए आप लोग, यहाँ पे कुछ ऐसे वेट W रख दिया गया, ठीक। अब ये वेट W हो गया, या क्या करेंगे इसमें कुछ ऐसे स्प्रिंग लगा देंगे, ऐसे कह सकते हो आप इस तरीके से, ये ऐसे आपका
स्प्रिंग हो गया, तो क्या करेगा ये कि जैसे ही ये प्रेशर डिफ्लेक्ट करेगा इसको ऊपर, तो पहले वेट उठाएगा, तो अगर वेट केवल उठ रहा है तो हम उसकी रिंग निकाल लेंगे, अगर वेट नहीं रख के स्प्रिंग लगा रहे हो, भाई स्प्रिंग भी साथ बाइक का शॉकर होता है, वो भी क्या शॉकर जॉब करता है, तो कुछ कंप्रेस होगा, तो आइदर बाय वेट आइदर बाय शॉकर या स्प्रिंग कह सकते हो। कि यहाँ पे हम ये जो गेज रिंग निकालते हैं एच लिक्विड ना यूज करके कोई सॉलिड यूज करते हैं, जैसे स्प्रिंग या कोई डेड वेट, जैसे मान लो कोई एक केजी का आपने कोई वहां पे वेट रख दिया उठा करके, ठीक है, तो वो क्या करेगा वहां से कि उसको प्रेशर से डिफ्लेक्ट करेगा उठा करके वो, ठीक है, जब वो डिफ्लेक्ट करेगा तो उतना रीडिंग पढ़ लेंगे कितना ऊपर उसने राइज किया। तो ये होता है मैकेनिकल गेज, जिसको हमें नहीं पढ़ना है, बस अंतर जान लीजिए कि मैनोमीटर में हम लिक्विड से ही प्रेशर बैलेंस करते हैं, कि लिक्विड से ही रीडिंग निकालते हैं, कितना लिक्विड ऊपर गया कितना लिक्विड नीचे गया कितना अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे एच निकलता है। लेकिन मैकेनिकल गेज में हम लोग किसी डेड वेट या किसी स्प्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है, ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है मैनोमीटर और प्रेशर गेज में, ठीक। अब मैनोमीटर के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैं यहां अभी एक्सप्लेन करता हूं आपका टाइप्स ऑफ मैनोमीटर की, अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, तो इसमें आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में सबसे पहला जो आपका आएगा दैट इज कह सकते हो आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो लिखते हैं उसको हम लिख सकते हैं सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, ठीक। इसके बाद आता है डिफरेंशियल, अभी मैं सिर्फ बता दे रहा हूं ऊपर ऊपर से क्या मतलब है, जब न्यूमेरिकल्स वगैरह या इसमें डीपली जाएंगे तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक होता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है, पहले आते हैं सबसे सिंपल वाले पे, सिंपल मैनोमीटर पे। तो सिंपल मैनोमीटर का मतलब क्या होगा, सिंपल कि जब हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर निकालना हो किसी एक सिस्टम का, ठीक है, मतलब कहने का यह है कि एक पाइपलाइन है उसमें किसी एक सेक्शन पे कह दिया कि फाइंड आउट द प्रेशर एट दैट पॉइंट ए, मतलब यही पाइपलाइन है आपकी और इसी पाइपलाइन पे क्या रहता है कि यहाँ पे पॉइंट ए है यहाँ का प्रेशर बताइए, तो क्या करोगे, सबसे सिंपल वाला क्या है कि अगर आपके पास प्रेशर बहुत कम है, मतलब यहाँ का प्रेशर इतना नहीं है कि ट्यूब की रिक्वायरमेंट 10 मीटर 20 मीटर की है, मतलब अगर आप जान रहे हो कि हल्का फुल्का प्रेशर है तो जो पानी है या जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ही राइज करेगा या 1 मीटर तक जाएगा, तो आप सेम लिक्विड से बैलेंस कर सकते हो। मतलब यानी कहने का यह है कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, जो सबसे सिंपल मैनोमीटर कहते हैं इसको हम लोग, दैट इज पीजोमीटर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग सिंपल, एक पाइपलाइन में सीधे एक ट्यूब इंसर्ट कर दिए, जितना लिक्विड ये राइज कर जाएगा वही रीडिंग हमारी प्रेशर की हो जाएगी, जहां से हम लोग अपना प्रेशर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पीजोमीटर, मतलब सबसे सिंपल कि कोई पाइपलाइन था, आप देखते हो जब पाइपलाइन में कोई छेद हो जाता है तो पानी अपने आप बहुत तेजी से ऊपर आता है, ठीक है, तो वो कहां रह जा सकता है, अगर उसको किसी कॉलम में रखा जाए तो वो जाएगा जितनी उसकी प्रेशर वैल्यू होगी वहां तक वो पहुंच जाएगा। जैसे मान लो इसी में हम लोग प्रेशर कुछ है तो उस प्रेशर से हाइट जितनी आएगी उतना हाइट पानी राइज करेगा, फिर अगेन उसको हम लोग वहां से पी निकाल लेंगे, ठीक। इसी में अगर मान लो प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आता है आपका यू ट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या करेंगे कि ये जो ट्यूब वर्टिकल था अब आपका ये यू शेप का हो जाएगा, जैसे अगर हम इसको बताते हैं यहाँ पे तो कह सकते हो कि ये चीज आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर मैं ऐसा क्रॉस सेक्शन ड्रा करूं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसी पाइपलाइन का अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, मान लेते हैं कि ये आपका कोई पाइपलाइन ऐसा मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, मतलब कि जैसे कोई पाइप जा रही है सामने से काट दिया गया उसको, ठीक, तो इसके सेंटर से हम क्या करते हैं, यहां से हम लोग एक ऐसे एक यू शेप का हम लोग ट्यूब इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से,
ठीक है। तो ये आपका मतलब जैसे यू शेप का दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है यू ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं यहां पे, ऐसे कोई भी एक रेफरेंस लाइन, ये मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा आपको, रेफरेंस लाइन रख लेते हैं। होता क्या है कि इसके ऊपर, इसके ऊपर ये लिक्विड रहेगा, मान लेते हैं इसमें हम लोग वाटर रखें फॉर एग्जाम्पल, तो इस वाले पाइपलाइन में क्या होगा आपका, सिंपल ये यहां तक पूरा का पूरा आपका इस रेफरेंस लाइन के ऊपर, यानी ये आपका रेफरेंस है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर आपका ये वाला लिक्विड रहेगा। ठीक है, और इसके इस साइड अगर बात करेंगे तो, क्योंकि अगर ये तब यूज करेंगे जब प्रेशर ज्यादा हो, मतलब यहां पे अगर बात करें लो प्रेशर है, मतलब प्रेशर डिफ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यूट्यूब वाला तब यूज करते हैं जब आपको कहीं भी हाई प्रेशर का मेजरमेंट करना होता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस, सॉरी प्रेशर डिफरेंस नहीं कह सकते हो, कहते हो कि प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा आपकी है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं हम लोग कि इस वाले ट्यूब में यहाँ पे हम लोग कुछ एक हैवी लिक्विड रखते हैं। इन जनरल मोस्टली 90% केस में यहाँ पे मर्क्यूरी रखा जाता है। ठीक है, यानी ये आपका कह सकते हो कि मर्क्यूरी रहता है, क्योंकि अगर ये वाटर है तो मोस्टली फ्लूइड जो होते हैं, जैसे वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ग्लिसरीन हो गया, इथेनॉल हो गया, कोई भी चीज अगर जैसे लिक्विड आप बात करोगे तो उन सबकी कैटेगरी में जो डेंसिटी होगी वो मर्करी की सबसे ज्यादा होती है। मर्करी की डेंसिटी आप जानते हो, आपको बताया भी गया है कि 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ मर्करी। ठीक, तो इसमें क्या है मतलब आपका कि ये रखने से फायदा क्या होगा, फिर मैंने बताया ना कि पी एटमॉस्फेरिक को अगर मेजर करना है तो अगर इसको हम लोग एच जी के स्केल पे मेजर करते हैं, यानी हम लोग अगर मर्करी के स्केल पे मेजर करेंगे तो ये आपको देगा रीडिंग 760 mm। ठीक, और अगर इसको हम लोग वाटर स्केल पे मेजर करते हैं, यानी अगर कहीं हमारा उसमें H2O रखा हुआ है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा आपका, कह सकते हो सिंपल 10.3 meter। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि इसलिए हम इस ट्यूब को यूज करते हैं। अगर यहां देख रहे हो वाटर के लिए 10.3 meter की हाइट चाहिए होगी आपको, तो 10.5 meter का ट्यूब कहां से लेके आओगे, और बनाओगे भी तो रखो ये कहां पे आप लोग। और मरकरी के लिए कितना, 76 centimeter, तो वो तो 76 centimeter, बट ऑब्वियस है कि इतना होगा उतना आप कहीं भी कैरी कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो डेंसिटी ज्यादा है तो होगा क्या कि इसमें जो प्रेशर P1 काम कर रहा होगा, यहां जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर से, इसका जो प्रेशर P1 होगा, इस प्रेशर से इसमें डिफ्लेक्शन काफी कम मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लें इतना डिफ्लेक्ट किया है तो ये जो वैल्यू होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ H, यानी इस रेफरेंस लाइन से जितना ऊपर मरकरी गया होगा, अगर इसका बंद कर दें कनेक्शन यहां से तो मरकरी वापस इसी में बैलेंस हो जाएगा किसी एक लेवल पे, लेकिन अभी ये जुड़ा हुआ है कनेक्शन, तो इस प्रेशर की वजह से इस रेफरेंस लाइन से ये मरकरी इतना ऊपर गया है। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन कुछ होता नहीं है, जहां से ये लिक्विड सेपरेट होती है, ठीक है, ये आप बनाते नहीं हो, खुद बन जाता है। जैसे पानी कनेक्ट करोगे, पानी और मरकरी इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पानी जैसे मरकरी को ढकेलेगा नीचे, जितना ढकेल पाएगा वहां तक का आपका रेफरेंस लाइन, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने यहां एक्स बनाया, ऐसा नहीं है, एक्स यहां हो सकता है, एक्स यहां भी हो सकता है, एक्स यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप कहीं भी मान सकते हो, डिफरेंस क्या होना चाहिए कि वहां से आपका लिक्विड अलग हो जाना चाहिए। अगर लिक्विड वहां से सेपरेट नहीं कर रहा है तो यानी आपका रेफरेंस लाइन गलत है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन में फिक्स होता है, यहाँ कहते तो ग्रेजुएटेड स्केल लगा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ ये सब पूरी की पूरी स्केलिंग की जाती है कि ये एच कितना निकल के आ रहा है, तो ये जो रेफरेंस लाइन है ये आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहां से आप लोग इसको कुछ भी वैल्यू रख सकते हो जो आपका दोनों डिफरेंस में निकल के आ रहा होगा। जैसे अगर ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, मतलब यहां डिफर किया, यहां से बाइफर्केट हुआ, तो यहां मान लेंगे, अगर यहां बाइफर्केट हुआ यहां, ये एक्स कहीं भी मान सकते हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वहां से दोनों लिक्विड अलग होना चाहिए। जैसे मैंने यहां येलो कलर से बनाया है तो ये पूरा पूरा आप कह सकते हो कि ये पूरा आपका मरकरी है, पूरा ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है,
ये आपका पूरा मरकरी हो गया। अब ये हो गया यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। इसी में एक आता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जब हमें बहुत ज्यादा कुछ मेजर करना होता है प्रेशर तो सिंगल कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से आपका यही यूट्यूब होता है, पर इसमें क्या होता है कि इस ट्यूब के पहले एक बड़ा सा रिजर वायर यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रेशर ड्रॉप कम मिलना मिल सके हमें, मतलब जहां फ्लक्चुएशन वगैरह ज्यादा हो रही होती है या प्रेशर का एक बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब एक टाइप है उसका। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी यूट्यूब या किसी भी ट्यूब के पहले एक बड़ा सा रिजर वायर लगा लेते हैं, ताकि ये प्रेशर पहले उस रिजर वायर में जाता है, फिर वहां से होकर के रीडिंग देता है हमको, ठीक है। मतलब इसी किसी के बीच में एक खूब बड़ा सा रिजर वायर बना देंगे, यह समझो कि पाइपलाइन है, फिर एक पानी का टैंक रखा गया है, उसके पास कराने के बाद मैनोमीटर लगाया गया है, मतलब प्रेशर सफल करेगा पूरा यहां से लेकर के वहां तक, ठीक। इसके बाद आपका आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल वाले में क्या होगा बेसिकली आपका, जैसे मैंने सिंपल में कहा, तो सिंपल में जो सबसे मोस्ट कॉमन था कि सिर्फ एक पाइपलाइन थी, यानी कह सकते हो यहाँ पे सिंपल कि एक आपका सिंगल पाइपलाइन, यानी किसी एक सिंगल पाइपलाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर जब निकालेंगे, मतलब जहां पे सिर्फ एक आपका किसी कह सकते हो पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर वो चीज पूछी जाएगी आपसे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जब सिंगल पाइपलाइन होगी तो हम सिंपल इन तीनों में से कोई यूज करेंगे, पीजोमीटर, यूट्यूब या सिंगल कॉलम, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंशियल आता है, मतलब डिफरेंशियल का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि सिंपल, यहां देखते हो व्हाट इट क्लियर हो रहा है कि विच मींस दैट कि डिफरेंस, ठीक है, कि यहां से आपको कह सकते हो कि डिफरेंस निकालना है। तो जब हमें कोई ऐसा सिस्टम मिलता है, मान लो दो पाइपलाइन दी गई है कि मतलब एक पंपिंग स्टेशन है, वहां से दो पाइपलाइन निकल के आ रहे हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई एक पंपिंग स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहां से पंपिंग स्टेशन से हमने दो पाइपलाइन निकाल दी, यहां से ऐसे एक पाइपलाइन ये जा रही है आपकी, ठीक है, दूसरी पाइपलाइन यहां से जा रही है, ठीक है, ये P1 और ये आपका P2 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 10 मीटर बाद या 1 किलोमीटर बाद दोनों में कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, तब वहां पर हम लोग डिफरेंशियल यूज करेंगे। कि अगर मान लीजिए कोई एक लोकेशन दे दिया कि ए पॉइंट पर, यानी अगर इसकी लेंथ यहां से दे दिया गया है फॉर एग्जांपल 100 मीटर, तो 100 मीटर बाद ये पूछ सकता है आपसे कि दोनों पाइपलाइन में कितना प्रेशर ड्रॉप हो गया है। तो अगर दोनों का प्रेशर ड्रॉप बात करें, तो अगर ये 100 है तो ये भी आपका 100 मीटर होगा, यहाँ एक पॉइंट ए मान लेते हैं। तो अब डिफरेंशियल यहाँ यूज होगा क्योंकि हमें दो पाइपलाइन के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कि जैसे मान लो किसी एक पंपिंग स्टेशन से आपके दो वाटर पाइपलाइन गई हुई है, ठीक है, या 4 गई है, 6 गई है, 8 गई है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब जहां पे आपको किन्हीं दो का डिफरेंस निकालना हो, कि यानी एक पर्टिकुलर पाइपलाइन है उसके साथ एक और जा रहा है, एक और जा रहा है, तो जब हमें रेगुलरली उनके बीच का फ्लक्चुएशन देखना हो कि पाइपलाइन 1 में कितना प्रेशर है, पाइपलाइन 2 में कितना प्रेशर है, पाइपलाइन 3 में कितना प्रेशर आ रहा है, तो वहां पे हम डिफरेंशियल निकालते हैं। कि मतलब क्या होगा कि यहां से ऐसे एक ट्यूब निकल के आएगा, एक यू ट्यूब इस तरीके से, और ये ऐसे यहां पे जुड़ जाएगा यहां से, ठीक है, ये ऐसे कह सकते हो आप लोग। मतलब यहां पे इस एंड पे भी अगर हम बात करें, अगर दूसरी पाइपलाइन होगी तो कह सकते हो आप लोग कि इस वाले एंड पे भी आपका एक प्रेशर पाइपलाइन ऊपर जुड़ सकता है। मान लेते हैं कि दूसरी पाइपलाइन यहां कहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से कह सकते हो आपका काम करेगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। अब इसमें हो सकता है कि दोनों पाइपलाइन एक हो, ठीक है, तब भी सही है कि भाई यहां पे भी आपका वाटर हो सकता है। अगर दोनों पाइपलाइन सेम लिक्विड कंटेन कर रही हैं, तब भी आपका डिफरेंशियल यूज होगा कि भाई ठीक है, दोनों वाटर पाइपलाइन है, दोनों बीच का डिफरेंस, रुक दो, अभी स्टार्ट करो, वाटर की रहेंगी तब भी आप डिफरेंशियल यूज कर लोगे। अगर मान लेते हैं कि इसे मान लो एक में वाटर जा रहा है, एक में पेट्रोल जा रहा है, या एक में कोई डीजल जा रहा है, कोई भी फीड आप मान सकते हो, ग्लिसरीन हो गया, इथेनॉल हो गया, कुछ भी मान लो, तो वहां क्या करोगे आप लोग कि यहां पे अगर कोई अदर लिक्विड भी है, मान लेते हैं यहाँ पेट्रोल है इसमें, ठीक है, तब भी डिफरेंशियल यूज होगा। यानी कि दो पाइपलाइन हैविंग द सेम लिक्विड तब भी डिफरेंशियल यूज होगा, और अगर दो पाइपलाइन है हैविंग द डिफरेंस लिक्विड तब भी आपका
दो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज होगा, क्योंकि भाई हमें यह देखना है कि दोनों पाइपलाइन का प्रेशर डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, पी वन माइनस पी टू या पी ए माइनस पी बी कितनी वैल्यू आपको डिफाइन कर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था मैनोमीटर्स के बारे में कि मैनोमीटर होता क्या है, कैसे प्रेशर नापता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कल से कि डे वन डे टू मतलब लेक्चर वाइज लेक्चर 23-24 में हम लोग इनके इसी टाइप्स की स्टडी करेंगे कि पीजोमीटर कैसे काम कर रहा है, यूट्यूब सिंगल कॉलम एक एक न्यूमेरिकल देखते चलेंगे हम लोग, उस पर न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे, फिर डिफरेंशियल आएगा, ठीक है, उसमें भी हम स्टडी कर लेंगे इसको अलग अलग करके। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 23 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।